खौसा के सैनिक नगर इलाके में चलाए जाने वाली इस अल-ताइबीन नशा मुक्ति केंद्र में आज कोकन के फकरे कोकन कहलाने वाले और अंजुमन दर्द बंदा ने तालीम और तरक्की महार के, जिसकी कई ब्रांचेस भी जो है काम कर रही है, मुमरा में भी एक ब्रांचेस है, इसके जो बानी है सदर मोहतरम जनाब मुफ्ती रफीक कोरकर मदनी साहब, यहाँ पर आज खास करके ये सेंटर किस तरह से काम कर रहा है, कैसे यहाँ पर जो है लोगों को नशा से दूर किया जा रहा है वो देखने के लिए आए हैं। साथ ही उसमें वो अपने बेशकीमती राय और मशवरे से जो है यहाँ इस सेंटर को जो है वो नवाजेंगे भी, और उन्होंने जो यहाँ पर काफ़ी सारी बातें भी कही है। तो आइए हम बात करते हैं मुफ्ती रफीक कोरकर मदनी साहब से कि नशा जो आज मुमरा कौसा जैसे मुस्लिम इलाकों में एक गहरी जड़ों तक पहुंच चुका है, तो उसे खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए और ये नशा मुक्ति केंद्र जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। मुफ्ती साहब, आपका हिंदुस्तानी रिपोर्टर में स्वागत है, इस्तकबाल है आपका। आप जैसे कि आपके जानने वालों से हमें जानकारी मिली कि आप इस फील्ड में जो है काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, कोकन में खास करके आप काम कर रहे हैं, इसको लेकर के आपने कई ब्रांचेस बनाई है आपके ऑर्गेनाइजेशन की। आज आप इस नशा मुक्ति केंद्र में आए जो इकबाल काजी, मुबीन ताइड़े, जाकिर साबले साहब, नियाज नाकवा साहब मिलकर के चला रहे हैं पिछले 6 महीनों से, तो क्या महसूस किया आपने उनके इस काम को देख करके और कैसे लगा आपको उनका ये काम? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह मुहम्मदि व अला आलिही व असहाबिही व मन वाला, अम्मा बाद। आज हमारा अत-तवाबीन रिहाब सेंटर में आना हुआ, तकरीबन 2 माह कबल जनाब नियाज नाकवा साहब ने हमसे राब्ता कायम किया था कि हमारे दोस्त इकबाल काजी साहब ने मुमरा के अंदर उन नौजवानों के लिए जो नशा में मुब्तला हो चुके हैं तो उन नशा से दूर करने के लिए एक सेंटर कायम किया है, तो हम ये चाहते हैं कि आप वहाँ हाज़िरी दें और उसकी कोई रहनुमाई रहबरी करें। चूँकि वो वक्त हज का वक्त था, हज पर जाना था, इसलिए हमने नियाज भाई से और जनाब इकबाल काजी साहब से ये कहा कि सफ़र हज से वापसी के बाद इंशाल्लाह हम आपके सेंटर में आएँगे और इंशाल्लाह उससे इस्तेफादा करने की कोशिश करेंगे। तो अब हज से वापसी हुई, उसी दरमियान हम जहां महाड़ में रहते हैं तो हमारे सामने अपने इलाके के कुछ हालात इस तरह आए कि बहुत सारे नौजवान नशा के आदि होते जा रहे हैं। इस सिलसिले में आला पैमाने पर काम करने की ज़रूरत है, लिहाजा हमारा जो इदारा अंजुमन दर्दमंदाने तालीम तरक्की के नाम से जो मौसूम है और जिसकी बुनियाद महाड़ में रखी गई और उसके बाद आज तकरीबन पनवेल से लेकर सिंधुदुर्ग तक उसके 22 शाखें हैं और इस इदारे के ज़रिए से तालीमी फलाही बहुत सारे काम अंजाम दिए जा रहे हैं। तो हमने पिछले हफ्ता हमारे साथियों के जो हमारे अराकीन हैं उनकी एक मीटिंग ली, एक तो हमारे महाना मीटिंग होती है, तो उसमें हमने ये मौजूद जहरबाज लाया कि इलाके के अंदर भी जो नौजवान नशा के आदि बनते जा रहे हैं उस सिलसिले में हमें कुछ इकदाम करना होगा, उनकी इसलाह की कोशिश फिक्र करनी होगी। तो हमारी मीटिंग में तय हुआ कि जब मुमरा में एक अच्छा काम हो रहा है तो हमें वहाँ जाकर उस काम को देखना चाहिए। तो हमारे साथियों में से बात साथी हमारे कारी उस्मान साहब जो हमारे अंजुमन के सेक्रेटरी हैं, कारी अब्दुलसत्तार साहब जो नायब सेक्रेटरी हैं, हफीज़ शकील इसाने साहब और हफीज़ मुसद्दिक घोले साहब जो हमारे अराकीन में से हैं, और तो हमने मौलाना जाकिर साबले साहब से रब्ता किया जो हमारे मुमरा ब्रांच के जो नाजिम हैं, तो और एक हमने कहा तो फिर नियाज भाई से रब्ता करते हुए हमने कहा कि हमें यहाँ आना है, आज का वक्त दिया गया। हम जब यहाँ पहुँचे हैं और पहुँचने के बाद जब इस सेंटर के अंदर जब हमने अंदर इंट्री की और जब यहाँ के हालात को देखा और नौजवानों से खुसूसी तौर पर मुलाकातें करें तो बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे नौजवान जिन नौजवानों के ऐसे एक इनकलाब पैदा हुआ था, आज जब भी दुनिया में कोई अच्छा इनकलाब पैदा हुआ खुशखबर जो नतज ज़ाहिर हुए हैं वो नौजवानों के ज़रिए से ही, इन नौजवान जिनके जैसे बड़ी उम्मीदें की जा सकती हैं, जिनके जैसे बड़े इदारे कायम हो सकते हैं, जो बेवाओं के लिए यतीमों के लिए सहारा बन सकते हैं, जिनके ज़रिए से स्कूलें कॉलेजेस और मदारिस कायम हो सकते हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि यही नौजवान इस नशा के आदि बनकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी नहीं बल्कि अपनी नस्लों की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। तो बहुत ही अफसोस हुआ कि बहुत बड़ा काम है और बहुत ऊँचा काम है। अल्लाह जजाए खैर दें हमारे इकबाल काजी साहब और जनाब मुबीन साहब और जनाब नियाज नाकवा साहब और उनके साथ जो दीगर हजरात मिलकर जो काम कर रहे हैं, कि बहुत बड़ा उनका ये इकदाम है कि इस तरह के नौजवानों को जमा करके रात दिन उन पर मेहनत की जा रही है और उनको नशा से दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो जो है
اور تو اس اعتبار سے اب جو دوسرے حریکل حضرات ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کام کو کام کرنے والوں کا تعاون کریں، مدد کریں، اس لیے کہ اب انہوں نے اپنے حد المقدور ایک چھوٹے سے سینٹر کو قائم تو کیا ہے لیکن یہ جگہ ناکافی ہے ان بچوں کی تربیت کے لیے، ان بچوں کی اصلاح کے لیے۔ اگر ان بچوں کو ایک اچھے ماحول میں رکھا جائے اور ان کو اچھی سہولتیں مہیا کی جائیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ بچے توبہ کر کے اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں، بلکہ اپنی زندگی کو نہیں دوسروں کی زندگی کو بدلنے کا ایک ذریعہ بن سکتے ہیں اور قوم و ملت کے رہنما اور رہبر بن سکتے ہیں۔ ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جو شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے ایسے چیزوں میں مبتلا ہو چکے تھے، لیکن جب ان کو احساس ہوا اور جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک انقلابی کام لے لیا اور وہ ان لوگ کئی لوگوں کے رہنما اور رہبر بن گئے۔ تو الحمدللہ یہ مرکز انشاءاللہ اس سے یہی امید کی جا رہی ہے، اس لیے کہ یہاں جیسے کہ جناب اقبال قاضی صاحب نے کہا کہ یہاں آ کر صرف ڈاکٹری علاج نہیں کیا جا رہا ہے، جسمانی علاج نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ یہاں روحانی علاج ہو رہا ہے۔ یہاں علماء کو لا کر تربیت کی جا رہی ہے ان نوجوانوں کی، ان کی اصلاح کی جا رہی ہے، ان کو توبہ کروائی جا رہی ہے۔ ہم نے آج دیکھا الحمدللہ جب ان کے درمیان میں بات ہوئی تو یہ ہمارے نوجوان آنسو کے ساتھ رو رہے تھے۔ تو یہ اس بات کے علامت ہیں کہ ان بچوں کو احساس ہیں لیکن کسی غلط صحبت کی وجہ سے اگر یہ ان گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، لیکن اگر ان کی صحیح رہنمائی رہبری کی جائیں گی تو انشاءاللہ یہ ہمارے معزز نوجوان ہیں، قابل احترام ہمارے نوجوان ہیں اور یہی ہمارے قوم کے معمار ہیں۔ اس لیے اس سلسلے میں جتنے بھی لوگ جس طریقے سے بھی کام کر رہے ہیں قابل مبارکباد ہیں، ہم آپ کو بھی جو ہے مبارکباد دے رہے ہیں کہ آپ اپنے آواز کو لوگوں تک پہنچا کر لوگوں کو ان برائیوں سے دور رکھنے کی جو کوشش کر رہے ہیں یہ قابل مبارکباد کوشش ہے۔ اب اس سلسلے میں الگ الگ طریقے پر محنت کی جا سکتی ہے۔ ایک سینٹر تو اس وقت ہے جب کہ بچے اس کے عادی بنے، پھر ان کو یہاں لا کر ان کی اصلاح کی جائے، لیکن اس سے پہلے کے جو حالات ہیں یعنی نوجوانوں کو اس سے آگاہ کرنا کہ نشے کے کیا نقصانات ہیں، سب سے پہلے ان کو ان چیزوں سے آگاہ کیا جائے۔ ان کے والدین کو جمع کر کے، جیسے بات ہوئی، والدین کو مختلف جگہوں پر الگ الگ جگہوں پر جمع کر کے ان کو نشہ کے جو نقصانات ہیں ان سے ان کو آگاہ کیا جائے، اور ان کے والدین کو بتلایا جائے کہ وہ اپنے بچوں کی نگرانی کریں۔ سب سے بڑا مسئلہ آج جو ہے ہمارا جو ہے وہ نگرانی کا فقدان ہے۔ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، کہاں وقت گزار رہے ہیں، کس کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، والدین کی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ خصوصاً وہ لوگ جو وہ نوجوان جن کے بچے بیرون ملک میں رہتے ہیں، برسر روزگار ہیں، تو اب وہ نوجوان ہمارے آزاد ہو چکے ہیں، اس لیے ان کی نگرانی بہت ہی ضروری ہے۔ ہم ابھی تک یہ سوچ رہے تھے کہ یہ نوجوان جو نشے کے عادی ہو گئے یہ کوئی ایسی بڑی چیزیں ہوں گی نشے کی جس کی وجہ سے اس کے عادی بن گئے، لیکن جب ہم نے ان کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ نشے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے وہ اس کے عادی بن گئے ہیں۔ چھوٹے یعنی جیسے میڈیکل میں ملنے والی جو کچھ دوائیاں ہیں، گولیاں ہیں، پان کی دکان پر ملنے والی گولیاں ہیں جو 5 یا 10 روپے میں مل رہی ہے، ابتدا ان کی اس سے ہوئی، ابتدا ان چیزوں سے ہوئی، اور ان چیزوں نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا کہ کوئی اپنے ہاتھ کو کاٹ کر لے رہا ہے، کوئی جو ہے اور دیگر طریقے سے اپنے آپ کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس طرح کے علماء کے رہنمائی اور رہبری میں جو بھی کوششیں ہوں گی انشاءاللہ اس کی وجہ سے قوم و ملت کو اور امت کو بڑا فائدہ ہوگا اور ان نوجوانوں کی زندگیاں جو ہے بچ سکتی ہیں، اور اگر ان کی زندگی بچیں گی تو قوم و ملت کی اصلاح کے لیے کام آ سکتی ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، آپ کی یہ جو این جی او ہے جس کو آپ باہر سے چلاتے ہیں جو ہے اس کی برانچ ہے ممبرا میں، جی، تو اب آپ کی برانچ کا اس موومنٹ کو لے کر کے یہ نشہ مکتی کیندر جو ہے اس کو لے کر کے آپ کی برانچ کا کیا رول رہے گا، کیا مطلب آپ کی برانچ اس کو مدد کرے گی؟ چونکہ انجمن کے مقاصد میں بہت سارے مقاصد ہیں، اب جہاں انجمن تعلیم کے اعتبار سے فکر کر رہی ہے، لوگوں کے تعاون کے اعتبار سے، بیواؤں کے اور یتیموں کے تعاون کے اعتبار سے، تو ایسے معاشرے میں جو غلط چیزیں پھیلی ہوئی ہیں اس پر کس طرح روک لگائی جائے، اس کی وہ بھی مقصد انجمن کے مقاصد میں سے ہیں۔ چونکہ ہمارا کام ابھی شروع ہو چکا ہے، اب اس سلسلے میں پہلی مرتبہ یہاں آنا ہوا، تو انشاءاللہ اب یہاں کے انجمن کے جو ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا مشورہ ہوگا، اور انشاءاللہ مشورہ کر کے کس طرح کام کیا جائے، اب کام کرنے والا کا تعاون کس طرح کیا جائے۔ یعنی جیسے یہاں ماشاءاللہ ہمارے اقبال قاضی صاحب کام کر رہے ہیں، ہم نے یہاں دیکھا کہ یہاں بھی علماء آ کر نوجوانوں کے درمیان میں اگر بیانات کر ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ،
अगर बयानत देते रहेंगे तो हम माशाल्लाह हमारे इस अंजुमन के जो जो उलमा हैं उनमें से कारी और मुफ्ती सईद साहब हैं, मुफ्ती सरफराज साहब हैं, हाफिज़ मुकादम साहब हैं और मौलाना साबिर साहब तो जाकिर साहब तो उसके नाजिम हैं ही, तो ये उलमा को भी हम मुतवज्जा कराएंगे कि जहाँ जहाँ इस तरह के काम हो रहे हैं वहाँ जाकर जो है अपने बयानात के ज़रिए से और अपने ताउन के ज़रिए से इन कामों को जो आगे बढ़ाने की कोशिश करें। फिर ब्रांच की तरफ से मखसूस क्या काम हो सकता है इस सिलसिले में इंशाल्लाह मशवरा करके इंशाल्लाह उस पर ज़्यादा अमल करने की कोशिश करेंगे। मुफ्ती साहब, आखिर में जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं और उम्र में अच्छी खासी बड़ी तादाद के भी लोग जो है वो नशे में मुब्तिला है, जी जी जी, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के परिवार के लिए जो है आप क्या अपील करना चाहेंगे? जो बच्चे नशे के आदी हो गए हैं तो उनके जो घर वाले हैं तो हम सबसे पहले कहेंगे कि अब अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए, सबसे पहले अल्लाह की तरफ रुजू हो और रुजू होकर जो है अल्लाह से दुआएं मांगे कि किसी तरह भी हमारे इन बच्चों की जो नशे की आदत लग चुकी है अल्लाह उसे उनको दूर कर दें। और उसके बाद सबसे अहम चीज़ ये है कि अपने आप को भी सुधारने की कोशिश करें। जब वालिदैन जब नेक होते हैं तो उसके असरात औलाद पर होते हैं। मैं आपको मुख्तसर से बात कुरान के पेशन से बता दूं कि कुरान में एक वाकया बयान किया गया है, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक बस्ती में जा रहे थे। मुख्तसर ये कि देखा कि एक दीवार गिर रही थी, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसको दुरुस्त कर दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब इन गाँव वालों ने हमारे मेहमान नवाजी नहीं की थी तो आपने बिला मुआवज़ा इस दीवार को दुरुस्त क्यों किया? तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमने उसको इसलिए दुरुस्त किया कि उस दीवार के नीचे जो है यतीम बच्चों का खजाना है, मतमून है। दीवार गिर जाती तो लोग उस खजाने को ले लेते और ये यतीम बच्चे महरूम हो जाते हैं। तो उस जगह अल्लाह ने जो एक चीज़ बयान की कि उन यतीम बच्चों के खजाने की जो हिफाजत की गई, क्यों? इसलिए कि वकाना अबू हुमा सालिहा, कि यतीम बच्चों की खजाने की इसलिए हिफाजत की इसलिए कि उनके वालिदैन नेक थे। तो वालिदैन के नेक होने की वजह से बच्चों की दुनिया की हिफाजत की जा रही है, आखिर तो है ही आखिर की दुनिया की। बाज़ तफसीरों में लिखा हुआ है कि वो वकाना अबू मसल, वो अब जो हैं वो कौन से थे? सातवें दादा थे। सातवें दादा के नेक होने की वजह से सातवीं पीढ़ी की हिफाजत की जा रही है। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी चीज़ है। तो इससे पता चला कि वालिदैन नेक हो तो उसके असरात औलाद पर होते हैं। इसलिए हज़रत सईद इब्ने मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, रात में जब तहज्जुद के लिए उठते थे और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे, बाजू में उनका छोटा सा बच्चा सोया हुआ होता तो रोते रोते उस बच्चे की तरफ इशारा करते और कहते लक लक या बुनैया, अरे बेटे ये जो इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुजाहदा कर रहा हूँ, रात में उठ रहा है, तहज्जुद पढ़ रहा हूँ, ये सब तेरे लिए है, ये सब तेरे लिए, यानी अगर मैं नेक बनूंगा उसका असर तुझ पर होगा। इस वजह से आज हमारे जो बड़े हैं उन वालिदैन हैं उनसे भी हमारी दरख्वास्त है, हम सबसे पहले अपनी ज़ात को भी कह रहे हैं कि हम नेक बने। हम नेक बनेंगे तो उनके असरात हमारे औलाद पर होंगे, ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, जैसे हमने इससे पहले भी कहा कि अपने औलाद पर निगरानी रखने की ज़रूरत है कि उनका उठना बैठना कहाँ है, कहाँ जा रहे हैं, यहाँ तक कि स्कूल में भी जब जाते हैं तो कभी कभार उनके जो हैं उनके जो बस्ते होते हैं उनकी भी चेकिंग होनी चाहिए, क्या चीज़ें ली जा रही है, क्या चीज़ों को वापस लाया जा रहा है। तो इंशाल्लाह, और फिर उसके साथ सबसे अहम चीज़ ये है, आखिरी चीज़ करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा, हम अपने इन नौजवानों को उलमा और अहलुल्लाह के साथ मुर्तबित कर दें, जोड़ दें, अल्लाह वालों के साथ उनको लगा दें। तो इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जो आए उनका एक सबसे बड़ा मकसद था तज़किया, लोगों की इस्लाह। सहाबा किराम का मामला ऐसा था कि ज़रा भी कुछ अपनी ज़िंदगी में तब्दीली महसूस करते फौरन दौड़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते थे और अपनी इस्लाह करवाते थे। हज़रत हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो वाक़ बहुत मशहूर है कि एक मरतबा घर से निकल कर कहने लगे नाफ़क़ हंजला, कि हंजला तो मुनाफिक हो गया। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में गए और जब ये शिकायत की तो क्या बात है कि रसूल अल्लाह मसला ऐसा है कि जब मैं आपकी खिदमत में होता हूँ तो ऐसा होता है जन्नत दोज़ख मेरी आँखों के सामने है, जब घर चला जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि वो तसव्वुर ख़त्म हो जाता है। उस तस्वुर को ख़त्म होने को उन्होंने निफाक से ताबीर किया कि मैं मुनाफिक हो गया। लेकिन आज ऐसा हो रहा है कि बड़े बड़े गुनाह में हम मुब्तला, हमारे बच्चे मुब्तला है लेकिन हमें उसका एहसास भी नहीं है। इसलिए हम अपने बच्चों को जो है हम अल्लाह वालों के पास, उलमा के पास ले जाकर उनकी इस्लाह की फ़िक्र करें ताकि उनके उनका तस्किया हो जाए और सही रास्ते पर चलने वाले बन जाए। जज़ाकल्लाह रफीक भाई, अल्लाह आपको जज़ा खैर दें। मुमरा कौसा में फैलती नशे की लत में
बगैर किसी डॉक्टरी इलाज, बगैर किसी दवाइयों के, बगैर किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर के, कुरान और हदीस की रोशनी में, उलमाए दीन की सोबत में किस तरह से नौजवानों को, हत्ता कि मैच्योर्ड जो लोग हैं जो इस नशे की आदि हो चुके हैं, ऐसे लोगों को कैसे नशे से दूर करने का अल तायबीन नशा मुक्ति सेंटर चलाया जा रहा है, उसकी जानकारी देने वाली थी आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।